आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवृतबीजी पौधों में लैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं। ऐसे पुष्पीय पौधे जिनमें बीजों का विकास फल के अंदर होता है, ठीक है, फल के अंदर होता है, ऐसे पौधों को आवृतबीजी पौधे कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, आम है, नींबू है, टमाटर, गेहूँ आदि, इन सभी क्या आते हैं, आवृतबीजी पौधे के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें इस प्रकार के जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले जो गैमिट होते हैं, ठीक है, गैमिट यानी कि युग्मक, युग्मक दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला क्या है, हेट्रोगैमेटिक, और दूसरा है ओगैमेटिक या फिर ओगैमस, ठीक है, हेट्रोगैमस या फिर ओगैमस, इस तरीके से इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हेट्रोगैमस यानी कि विषम, दोनों अलग अलग रहेंगे, यानी कि जो इसमें मेल गैमिट है वो क्या होगा, मोटाइल होगा, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन ओगैमस में क्या होता है, दोनों की आकृति क्या होती है, समान होती है, समान। इसमें यानी कि अगर मोटाइल हैं तो दोनों मोटाइल होंगे, अगर नॉन मोटाइल हैं तो दोनों क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, इस तरीके से ये समान। ओगैमस यानी कि समान और हेट्रोगैमस यानी कि असमान, इस तरीके से इसको समझना है। अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा, जो ये मेल गैमिट होता है इसको क्या बोला जाता है, स्पर्म बोला जाता है या फिर स्पोरोजॉइट। उसी तरीके से एग, मतलब ये जो फीमेल गैमिट होता है इसको क्या बोला जाता है, ओवम या फिर एग सेल, ठीक है। अब थोड़ा सा कैरेक्टर देख लेते हैं इन गैमिट का। जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म या फिर स्पोरोजॉइट जो है, ये क्या होता है, मोटाइल होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ इसमें क्या पाया जा रहा है, फ्लैजिला पाया जा रहा है, जो कि इसके गति के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने में ये सहायता करता है, इसलिए ये क्या होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया इसका, ये मोटाइल होते हैं। लेकिन जो ओवम होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह स्वयं नहीं जा सकते, ठीक। नेक्स्ट जो है, स्मॉल इन साइज, मतलब ये क्या होंगे, आकृति में छोटे होते हैं, तभी तो ये क्या होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जो मेल गैमिट होता है ये साइज में छोटा होता है, लेकिन जो फीमेल गैमिट होता है ये साइज में क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, ठीक है। जो स्पर्म होते हैं ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि ये इनमें गति पाया जाता है, इनमें फ्लैजिला पाया जा रहा है, जिससे ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन जो ओवम होता है ये न्यूट्रल होता है, इसमें किसी भी, मतलब ये इतना एक्टिव नहीं होता। अगला कैरेक्टर है इसका, ये क्या होता है, लार्ज इन नंबर। जो स्पर्म होते हैं इनकी संख्या क्या होती है, मतलब ये संख्या में बहुत अधिक होते हैं। लेकिन जो ओवम फीमेल गैमिट है ये क्या होते हैं, नंबर में केवल एक ही होते हैं, इनकी संख्या एक से अधिक नहीं होती है, अधिकांश एक से अधिक नहीं होती है, नॉर्मली एक ही होती है। या फिर हमारा अगला टॉपिक है स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो अभी हम लोग रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स देखे हैं उनके अलावा भी कुछ अन्य स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्शन की विधियां पाई जाती हैं, जिसको अभी हम लोग देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है एपोमिक्सिस, असंग जनन, ठीक है। तो ये क्या होता है ये देख लेते हैं, प्रोड्यूसिंग एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये इस प्रकार का प्रजनन होता है जिसमें बिना निषेचन के, क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये किस टाइप की विधि है, बिना निषेचन के एम्ब्रियो का जिसमें फॉर्मेशन होता है। अब इनको भी कई टाइप में डिवाइड किया गया है, तो आइए इनके अंदर भी देख लेते हैं। इसका फर्स्ट टाइप है एपोगैमी, ये आपका एग्ज़ाम में छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप छोड़िएगा मत। फर्स्ट है तो एपोगैमी, जिसे बोला जाता है अपयुग्मन, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ वर्ड को थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट मैंने वर्ड लिखा है गैमिटोफाइट, युग्मकोद भी इसको बोला जाता है। गैमिटोफाइट यह क्या होता है, फेज ऑफ गैमिट, यानी कि गैमिटोफाइट से ही, मतलब ये क्या होता है, गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है इससे, ठीक है, गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है। और ये गैमिट क्या होते हैं, हैप्लाइड होते हैं, हैप्लाइड फेज है ये, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड क्या है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट जिसको बीजाणुद्भिद बोला जाता है, ये क्या होता है, फेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरोफाइटिक जो फेज होता है
इसमें क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसमें जैसे क्या है, हैप्लॉइड गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी तरीके से इसमें क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है, द्विगुणित। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित गुणसूत्रों की संख्या आधी, और डिप्लॉइड यानी कि गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या है, पूरे हैं, इस तरीके से है। अब देख लेते हैं एपोगैमी किसे कहते हैं। एपोगैमी में क्या होता है, देखिए अब एपोगैमी में जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो गैमिट के किसी भी कोशिका से विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मतलब यहाँ पर गैमिटोफाइट है, गैमिट है, तो गैमिट के किसी भी सेल से स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के, ठीक है, बिना निषेचन के ही इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होने लगता है। और इसका जो एम्ब्रियो है ये इसी स्पोरोफाइट के रूप में ही विकसित होने लगता है। ये क्या होगा, इसका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो है इसी स्पोरोफाइट के रूप में आगे विकसित होने लगता है, ठीक है। इस तरीके से है एपोगैमी। अगला हम लोग देख लेते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी अपस्थानिक भ्रूणता जिसे कहा जाता है। इसमें किस तरीके से होता है ये देखते हैं। एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट। इसमें हम लोग एक बीजांड की संरचना देखते हैं जिसमें क्या पाया जाता है। आप लोग ये डायग्राम इस तरीके से बीजांड की संरचना में हम लोग इस तरीके का डायग्राम देखे हैं। तो इनका जो न्यूसेलस है, ठीक है, न्यूसेलस इस भाग को बोला जाता है, ठीक है, ये जो मैं लाइनिंग ज़िगज़ैग में की हूँ इस भाग को बोला जाता है न्यूसेलस। और इस तरीके से जो ये आवरण पाया जा रहा है ये इसका कहलाता है इंटेग्यूमेंट, ठीक है, जिसको अध्यावरण बोला जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का विकास न्यूसेलस से होता है या फिर इंटेग्यूमेंट से, ठीक है। इस तरीके से ये बिना निषेचन के हो रहा है ना, प्रत्येक जो इसका टाइप है, हमने ये किसका टाइप देख रहे हैं अभी, एपोमिक्सिस का। तो एपोमिक्सिस में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो सभी में ये बात आपको याद रखना है कि भले ही इसमें ये बोला जा रहा है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, न्यूसेलस से इंटेग्यूमेंट के, यहाँ पर निषेचन वाली बात ही नहीं आ रही, यानी कि बिना निषेचन के ही इसमें क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। एपोमिक्सिस का अगला टाइप देख लेते हैं हम लोग, पार्थिनोजेनेसिस। क्या दिया है ये, पार्थिनोजेनेसिस, या भी बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का निर्माण होने की एक विधि है, जिसमें देखिए पहला क्या लिखिए मैंने, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप, ठीक है, एम्ब्रियो एंड प्लांट। यानी कि पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, बिना गैमिट फ्यूज़न के फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वह विधि है जिसमें मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज होकर जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस में क्या हो रहा है, ऐसी क्रिया बिल्कुल भी नहीं हो रही है, इसमें निषेचन की क्रिया हो ही नहीं रही है, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन किसका डेवलपमेंट करते हैं, ये डेवलप एम्ब्रियो एंड प्लांट का, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप एम्ब्रियो या फिर प्लांट। एग्जाम्पल में आपका क्या दिया है, यूलोथ्रिक्स या फिर, और दूसरा एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। लेकिन इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है, भले ही इसमें निषेचन की क्रिया ना हो लेकिन इसमें परागण की क्रिया क्या होती है, मतलब आवश्यक होती है, ठीक है, मोस्ट रिक्वायर्ड मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर परागण की क्रिया होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि मतलब उसको एक क्या करता है, उत्तेजित अवस्था में लाता है, जिससे वह बिना निषेचन के ही क्या करता है, एम्ब्रियो या फिर किसी भी प्लांट का फॉर्मेशन करता है। अगला देख लेते हैं, इसी का है ये, जिस तरीके से पार्थिनोजेनेसिस हमने पढ़ा बिना निषेचन के क्या है, पौधे या फिर एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है, उसी तरीके से पार्थिनोकार्पी है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी में भी विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसिंग फ्रूट,
यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है? फ्रूट का, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस में एम्ब्रियो का निर्माण होता है, लेकिन पार्थिनोकार्पी में किसका हो रहा है? फ्रूट का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में एप्पल है, लेमन है, ग्रेप्स है आदि, इस तरीके का मतलब आदि में इस तरीके का फर्टिलाइजेशन पाया जा सॉरी इस तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एपोमेक्सिस का अगला टाइप है डिप्लोस्पोरी, ठीक है। क्या दिया है? डिप्लोस्पोरी, द्विगुणित बीजाणुता। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो द्विगुणित एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष है, द्विगुणित भ्रूणपोष, इसका निर्माण किस तरीके से होता है? तो यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है? विदाउट मियोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। विदाउट मियोसिस डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल में, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में बिना अर्धसूत्री विभाजन के किसका फॉर्मेशन होता है? द्विगुणित भ्रूणपोष का, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको है एरिबा टोमेंटोशा, इस तरीके से ये समझ में आ रहा है मेगास्पोर मदर सेल से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? किसका फॉर्मेशन हो रहा है? डिप्लॉइड एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अगला दिया है इसमें एपोस्पोरी अपबीजाणुता, ठीक है। यहाँ पर भी डिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ठीक है, डिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है किससे? न्यूसेलस या फिर अदर पार्ट ऑफ सेल, सेल के किसी अन्य भाग से क्या होता है इसका निर्माण होता है? किससे हो रहा है? न्यूसेलस से या फिर सेल के किसी अन्य भाग से क्या निर्मित होगा? डिप्लॉइड एंडोस्पर्म, दोनों में ही, ठीक है। डिप्लोस्पोरी है और यहाँ पर क्या है? एपोस्पोरी है, तो दोनों में ही किसका निर्माण होना है? डिप्लॉइड एंडोस्पर्म का, लेकिन किससे? यहाँ पर क्या हो रहा है? विदाउट मतलब मेगास्पोर मदर सेल में बिना अर्धसूत्री विभाजन के एंडोस्पर्म का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूसेलस से हो रहा है या फिर किसी सेल से एंडोस्पर्म का, डिप्लॉइड एंडोस्पर्म का निर्माण हो रहा है। अब हम अगला देख लेते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, बहु भ्रूणता। बहु मतलब अधिक, भ्रूणता यानी कि एम्ब्रियो, ठीक है। किस तरीके से इसमें बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होता है ये देख लेते हैं हम लोग। जब एक ही सीड में, ठीक है, जब एक ही सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं तो इस रिप्रोडक्शन का जो ये जो फेज होता है यही फेज कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी या फिर बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता नींबू जाति के पौधों में ये क्या होता है? सामान्य रूप से पाया जाता है। तो इस तरीके से ये भी इम्पॉर्टेंट है पॉली एम्ब्रियोनी। इसको चलिए एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ कि जब किसी मतलब एक ही सीड में क्या होता है? एक से अधिक, एक ही बीज में एक से अधिक एम्ब्रियो पैदा हो जाते हैं तो यही कंडीशन कहलाता है, यही प्रजनन कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है।